बहुत प्यारी धुन। कौन सी बता रहे हैं? अच्छा बताओ, कहाँ फिल्म वालों ने क्या कहा? फिल्म वालों ने के स्वर्ग से सुंदर उनकी ओर से 51 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुई हैं। सार से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है और आपका कार्य हमेशा प्रगति पर रहे, यही कामना है। एक चर्चा बड़े जोर शोर से चली, जहां उस समय टीवी खोलिए, मोबाइल देखिए, न्यूज़पेपर उठाइए, उस समय चर्चा चल रही थी बाबा राम रहीम। चर्चा चल रही थी, अब देखिए ये ऐसे संत हैं कि जिनके नाम के आगे राम लगा हुआ है, जिनके नाम के आगे राम लगा हुआ है, और इनके काम कितने अजीब, इनके काम कितने अजीब। बस इसी तरह के कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ और उनके काम एक जैसे हैं। सुनिए कहना क्या है, वॉल्यूम फिर चला गया। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। कहा जब ये चर्चा आई तो मैंने पंक्तियां बांधी, सुनिए कहना है के काम संत का छोड़ करके के बड़े धुरंधर
धाम में आप बैठे हैं, जिस धाम में आप बैठे हैं, जिस देवता की शरण में आप बैठे हैं, इनकी दृष्टि ने ऐसा प्रकोप दिखाया, ऐसा प्रकोप दिखाया, क्योंकि इनकी दृष्टि में नारी की महत्ता बहुत है। भगवान प्रभु शनि देव की नजर में नारी सबसे ऊपर है। नारी का मान, नारी का मान बहुत ऊंचा है और इन लोगों ने नारी का अपमान किया। और देखिए कैसे शनि देव जी ने, कैसे शनि देव जी ने अपनी न्याय की दृष्टि घुमाई और आज ये कहाँ पड़े हुए हैं। माँ का नाम छूट गया इनका राजपाट, छूट गई हरामखोरी और छूट गया इनका जो चालाकी से, दरिद्रता से, जो गंदगी से कमाया हुआ धन था, इकट्ठा किया हुआ, वो सब छूट गया। इसलिए कहा गया के राम रहीम व राम पाल के संग में आशा राम धर्म के बड़े है। और जान गए होंगे बहुत से लोग, सुनिएगा कहना है कि राम राम रटना छोड़कर निर्भय निडर हैं आपके। करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, लेकिन दिखावा नहीं करते और वो अपनी उस संपत्ति के द्वारा ही लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे हुए हैं। अपने योग से, अपनी दवाइयों से, अपने ये प्रचार से लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं। एक ऐसे राम है, एक ऐसे राम है और एक वो राम है। इसलिए कि राम राम कर नाम में जोड़े राम के राम का नाम है जोड़ करके करते नहीं बदनाम। और उधर रंगबाजी फेल हो गई, रंगबाजी फेल हो गई, तभी तो उन्हें जेल हो गई। तभी तो खिलाई गई तहरी। पान में किमाम लगते हो, काला जाम लगते हो, और झंडूबा लगते हो। अब सुनो जरा, हम झंडू बाम लगते हैं। कैसे करके लगते हो? झंडू बाम लगा के सिर की पंखड़ियां खुल जाती हैं। और क्या, झंडूबान बहुत कम में आता है। हाँ। अरे सुनो सुनाओ, ऐसा गाती हो, कैसा ऐसा गाती हो जैसे फटा ढोल लगती हो, ऐसा गाती हो जैसे फटा ढोल लगती हो, और इतनी तो पतली हो कि मुझे खंबे का पोल लगती हो, और ऐसी फैली हो, ऐसे फैल गई हो जैसे रजाई का खोल लगती हो, ऐसे चिपक जाती हो जैसे फेविकोल लगती हो। नीचे से भाई साहब कह रहे थे, क्या कह रहा है, रायता बरेली में फैलाए रहो। अरे रायता तो आज हम तुम्हारा बिल्लौर में फैलाने आए हैं। अब वो भी बथुएगा, अब वो भी बथुएगा। फिर और एक चीज और है दीपमाला जी, यदि शेर पढ़ो तो अपना पढ़ा करो। ये झंडूबाम किमाम, ये तमाम
अब से 5-6 साल पहले से मैं सुनता चला आ रहा हूँ। पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत। और आप कह रहे आपका पहला कार्यक्रम है मुझसे, तो ये तमाम कलाकारों से सुना है, कुछ अपना लिख के गाया करो जैसे हमने गाया। क्या बात कही तुम मुझे, फेवी कौन लगती हो। और फिर हमने कटपीस गाया। क्या गाया? कि सारा सारा दिल तेरी याद सता लग रहा है। जबकि आप लेडीज हैं और मैं जेंट्स हूं। सही बात है। अब बताओ कौन झंडू बाम लग रहा है। सारा सारा दिल तेरी याद सताए, रातों को नींद न आए, बाबरी हो गई मैं भी ऐसी, दिल कहीं सूर्य को खाए है? और लाली लाल आप गा रही हो। कोई रुक जाओ, कुछ और नहीं मिला लिखने को। वाह भाई वाह लेखपाल वाह, क्या कहें आपको भाई। लाल तो मैं गा रहा हूँ, गाना था काला गाती, हरा गाती, नीला, पीला, गुलाबी, नारंगी, चाहे जैसा गाती, क्योंकि साड़ी भी आप नीली पहने थी तो वैसा ही गा देती। सही बात अपना। अरे जैसी चादर का रंग वैसा ही गा देती। तो मैंने लाल गाया, आपने भी, मतलब मैंने छोड़ा वही उठा लिया, हमें को दे रही है वापस। ये लीजिए राजवीर जी अपना जवाब। और फिर आप गा रही है, गा रही है, नीचे से भी जवाब गाया जा रहा है। वो तो जवाब तो जवाब है, ये जवाबी हो रहा है। जवाबा जवाबा अपना माल माल माल, दूसरे का माल है, दूसरे का माल गोल माल, धोया भिगोया गया। फिर कह रही है, खैर अब कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही बहुत है। हम लोग हम नहीं कहते हैं। और फिर एक गीत हो, अब देखिए कटपीस आप गा रही है, बड़ी अच्छी कटपीस है, बड़ी अच्छी कटपीस आई है आपकी। क्या है? और ये 51 रुपए परम आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद बिल्होर की ओर से आए। और देखिए आपने बड़ी अच्छी कटपीस गाई है, और आज आनंद आ गया कटपीस सुन के वाकई। किस स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, इसे कहते हैं गाना बजाना। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, तो सदा परसता रहे हम सब पर यूं ही तुम्हारा प्यार, तो तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार।
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। ऐसे गाना बजाना करो, करो। सदा बरसता रहे हम सब पर यूं ही तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे। इसे कहते हैं बच्चे, देखो मेहनत कर रहे हैं। अभी तो गला गरम हुआ है। और हाँ, आपने कहा, क्या कहा, राम में दो अक्षर होते हैं। अब देखिए, राम में दो नहीं ढाई अक्षर होता है। रा आका डंडा फिर मा, राम राम, अगर दो अक्षर करोगी तो रम हो जाएगा, दो अक्षर में रम हो जाएगा। राम में ढाई अक्षर लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, आपका गीत कह रहा है जब तक डंडा नहीं लगेगा जब तक राम होगा ही नहीं। आपका गीत कह रहा है नहीं इधर हो जाता है राम। काम संत का छोड़ करके और करते गलत है काम, राम रहीम बराम पाल के संग मा आसारा। धर्म के बड़े धुरंधर पहुंच गए जेल के अंदर, आसाराम रामपाल। अब कुछ अच्छाई भी है, क्या है, अमरीकी हमें आसाराम रामपाल राम रहीम से लेना क्या है, हम कुछ नहीं लेना देना, तो हमें जवाबी गाना है, हम जवाबी गाएंगे, है ना, है ना। तो जहाँ गाना चाहिए हकीकत वो जो गाना चाहिए वही गाना चाहिए मुझे, राम रहीम रामपाल आसाराम या जी सुनो या राजनीतिक पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ मुझे लेना देना है केवल आपसे। इन्होंने कमीशन खाई उनका प्रचार करने के लिए, जब तक जवाबी गा रहे हैं हम लोग कमीशन नहीं खाते हैं, मेहनत का खाते हैं और प्रभु का गुण गाते हैं। अब सुनिए हमारी तरफ से जरा रामों पर ध्यान दीजिए, राम क्या है, क्या है, क्या कि राम राम रटने में कोई रटने में कोई दादाजी लगता नहीं विराम, राम राम रटो कोई विराम नहीं है, नहीं है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब जे नहीं पता हम किसी से कम नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा कि राम राम रटने में कोई अरे लगता नहीं विराम। ऐसे पापियों के ऐसे पापियों को नहीं मिलता, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम आपने लिया है, ऐसे पापियों को नहीं मिलता अरे जीवन में विश्राम। अब बताओ तबीयत कैसी है, सही है, झंडूबाम है। अरे ऐसे पापियों को नहीं मिलता इस जीवन में विश्राम, राम का नाम सत्य है,
राम का नाम सत्य है, बाकी जीवन असत्य है। राम का नाम सत्य है, बाकी जीवन असत्य है। राम का नाम सत्य है, बाकी जीवन असत्य है। तो राम का नाम सत्य है, बाकी जीवन असत्य है। अरे अरे अरे।